ईद उल अज़हा के दिन खानों के बाद बच्चों ने सैर व तफरी के लिए पार्क्स का रुख कर लिया है। लाहौर में इस वक्त पार्क्स में क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ एहसान अहमद से। एहसान, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद का पहला रोज़ है और लाहौरी जो हैं वो गोश्त पर हाथ साफ करने के बाद अब मुख्तलिफ तफरीही मुकामात और पार्कों का रुख किए हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के चिड़ियाघर में, जहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो अपने बच्चों और दीगर फैमिली के जो लोग हैं उनके हमरा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज ईद का पहला रोज़ है और आप यहाँ पर आए हैं गोश्त वगैरह तकसीम करने के बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ पर आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चे काफ़ी घर में तंग कर रहे थे कि हमें जो है वो ज़ू ले कर जाएँ और जानवर दिखाएं, क्योंकि ये ज़ू काफ़ी अरसे से बंद था तो बच्चे काफ़ी परेशान थे। तो अब ज़ू खुल गया है तो हम बच्चों की डिमांड पे इनको लेके आए हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये जो भाई साहब हैं ये आज ज़ू में आए हैं, क्योंकि ज़ू काफ़ी देर बाद खुला है अपने बच्चों के हमरा। जो ही अब जो है शाम होने को है और जैसे ही शाम होगी तो यही लोग जो हैं वो बारबेक्यू का रुख करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के टिक्के कबाब वगैरह जो हैं वो बनाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो रान रोड से लुत्फानंदोज़ होंगे और इसी तरह से जो लाहौरी हैं वो अपने दिन के साथ साथ अपनी रात को भी खुशगवार बनाएंगे। जी